everyone. I am Gunjan Songra, Faculty of Botany in NSCC BioHub. आज हम Bryophyta के Hepatic Opsida class के एक member Riksha के बारे में discuss करने जा रहे हैं. Bryophyta को start करते हुए सबसे पहले हम Bryophyta के classification के और थोड़े से characters के बारे में हम discuss कर लेते हैं. Bryophytes को हम embryophytes भी बोलते हैं, साथ ही इन्हें amphibians भी बोला जाता है plant kingdom का, क्योंकि इनमें सबसे पहले embryo का development देखने को मिला था. जब हम बात करते हैं Bryophyta के thallus के बारे में, तो Bryophyta का जो thallus होता है या body structure जो होती है वो thalloid या leafy type की देखने को मिलती है. साथ ही इनके अंदर rhizoids भी present होते हैं जो different different type के हो सकते हैं, जो इनके ventral pores से निकले हुए होते हैं. ये dorsi और ventral, dorsi ventral type के देखने को मिलते हैं, यानी इनके अंदर dorsal surface और ventral surface, dorsal और ventral दो surface जो है वो present होती है. साथ ही इनके अंदर autotrophs देखने को मिलते हैं. ये सभी autotrophs होते हैं, इनके अंदर pigmentation पाया जाता है, green color के होते हैं, चपटे होते हैं. इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और साथ ही वेजिटेटिव टाइप का देखने को मिलता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एंथ्रीडियम के रूप में बनते हैं, जो यहाँ पे क्लब शेप्ड होते हैं, यानी मुग्धाकार होते हैं. साथ ही इनके अंदर बाईफ्लैजिलेटेड टाइप के एंथ्रोसॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, जो पेरेंट वॉल से अलग होकर फ्रीली पानी में मुक्त हो जाते हैं. लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो आर्किगोनियम के रूप में बनती है. आर्किगोनियम जो होते हैं, जो Bryophyta का एक स्पेसिफिक करेक्टर है आर्किगोनियम का बनना, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो आउटर से कवर्ड होते हैं. कवर्ड होने का मतलब कि इनके आउटर में, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आउटर पोर्शन में यहाँ जैकेट सेल्स पाई जाती है, बंदे जैकेट सेल्स का आवरण पाया जाता है, जो यूनि टू मल्टी लेयर हो सकता है. जब हम बात करते हैं आर्किगोनिया की, तो आर्किगोनिया के अंदर निचला पोर्शन जो होता है वो यहाँ पे फ्लास्क शेप में होता है, जो वेंटर कहलाता है, वेंटर सेल कहलाता है. जबकि हम बात करते हैं जब अपर पोर्शन की, तो अपर पोर्शन यहाँ पे संकरा होता है और ट्यूब लाइक होता है, जिसे हम नेक सेल बोलते हैं. वेंटर सेल यहाँ पर वेंटर कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है, और नेक सेल जो है वो यहाँ पर नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है. जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर ओगैमस टाइप का, एडवांस ओगैमस टाइप का देखने को मिलता है. इस तरह के रिप्रोडक्शन में वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, ये दोनों ही विघटित होकर श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है. ये श्लेष्मा जो है पानी को ऑब्जॉर्ब करके फूल जाती है और एक बबल नुमा संरचना का निर्माण करती है. जब यहाँ ये श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है, तो इसके साथ में कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और पोटेशियम आयन भी साथ साथ में सिक्रेट होते रहते हैं. इसी के अंदर जो कवर्ड सेल्स होती है वो यहाँ पृथक होती है और एक संकरी नाल का निर्माण करती है, जिसके थ्रू एंथ्रेसॉइड जो है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं और एग के साथ फ्यूजन को कम्प्लीट करते हैं. इस प्रोसेस को हम यहाँ कीमोटैटिक प्रोसेस या कीमोटैटिक रिस्पांस के नाम से जानते हैं, क्योंकि रसायनों के द्वारा एंथ्रेसॉइड्स को अंदर की तरफ आने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है. इस प्रोसेस को हम कीमोटैटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं. इसके अलावा हम जब Bryophytes की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर दो जनरेशन देखने को मिलती है Bryophytes के अंदर, गैमेटोफिटिक और साथ साथ में स्पोरोफिटिक. गैमेटोफिटिक के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना होता है, जबकि हम जब स्पोरोफिटिक की बात करेंगे तो उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले जब गैमेटोफिटिक जनरेशन बन जाती है, तो गैमेट से जायगॉट बनता है और जायगॉट के माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. लेकिन जब हम बात करेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन की, तो उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, एक कैप्सूल फुट एंड सीटा का फॉर्मेशन होता है. ये तीन स्ट्रक्चर होती है जो स्पोरोफिटिक जनरेशन को आगे बनाती है. कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स जो हैं फॉर्मेट होते हैं मियोसिस के थ्रू, और आगे जाकर के वे प्रकीर्णित हो जाते हैं, और प्रकीर्णित होने के बाद में वो नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं. अब हम बात करते हैं क्लास हेपेटिक ऑप्सिडा की. हेपेटिक ऑप्सिडा के अंदर वे सभी मेंबर्स आते हैं जो यहाँ फीतेनुमा संरचना को लिए हुए होते हैं. साथ ही ये फ्लीफी और थैलॉइड टाइप के हो सकते हैं. इनके अंदर डॉर्सल पार्ट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और वेंट्रल पार्ट पर इनके अंदर स्केल्स और राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. जब हम बात करेंगे ऑर्डर मार्किनशियल्स की, ऑर्डर मार्किनशियल्स के अंदर वे सभी मेंबर्स आते हैं जिनके अंदर डॉर्सल सरफेस पर, यानी अपर पोर्शन पर, यहाँ फोटोसिंथेटिक जोन प्रेजेंट होता है, जिनके द्वारा ये क्लोरोफिल को स्टोर करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं. और वेंट्रल सरफेस पे यहाँ राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो दो तरह के देखने को मिलते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड देखने को मिलते हैं. जब हम बात करेंगे फैमिली रिक्सिएसी की, तो फैमिली रिक्सिएसी के अंदर वे सभी मेंबर्स आते हैं जिनके अंदर सिर्फ कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, यानी ये सिंपलेस्ट टाइप के स्पोरोफिटिक को शो करते हैं. जिनके अंदर सिर्फ कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, सिट्टा और फुट का फॉर्मेशन जो होता है वो इनके अंदर नहीं होता है. अब हम बात करते हैं रिक्सिया के थैलस के बारे में, साथ ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं.
ये वर्ल्ड वाइड स्पीशीज़ होती है, टोटली इनके अंदर 135 स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में 32 स्पीशीज़ देखने को मिलती है। रिक्शिया फ्लुएंटेस हो गया, रिक्शिया डिस्कॉलर हो गई, रिक्शिया गेंगेटिका और रिक्शिया क्रिस्टलाइना, ये कुछ मेन स्पीशीज़ है जो हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। राजस्थान में ओवरऑल 14 स्पीशीज़ है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। जब हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर दो ही टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव और सेक्शुअल। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं थैलस की। जब रिक्शिया ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा ये समूहों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये रोजेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। रोजेट का मतलब हो गया कि चटाई नुमा संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, इनके अंदर थैलस का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इनके अंदर स्टार्टिंग में यहाँ पोर्शंस में एक ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, या जिसे हम बोलते हैं एपिकल नॉट। स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इनके अंदर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड पाया जाता है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर यहाँ इस पोर्शन पे एपिकल नॉट का फॉर्मेशन होता है। यही फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ ग्रोइंग पॉइंट कहलाता है। साथ ही इनके अंदर स्केल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके डॉर्सल पार्ट पर, पूरे डॉर्सल पार्ट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वेज लाइक शेप्स होती हैं जो ब्रांचेस की होती है, यानी वेज के रूप में या लीनियर वेज के अंदर इनकी ब्रांचेस पाई जाती है। और जब ज़्यादा डिवीजन हो जाता है इनके अंदर, तो यहाँ रोजेट का फॉर्मेशन होता है। जब हम बात करेंगे थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर में नीचे का पूरा पोर्शन यानी वेंट्रल जोन जो होता है वो यहाँ पे स्टोरेज रीजन होता है, और उसी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने बात की थी स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड टाइप के होते हैं। ये पैक की तरह यानी खुंटीनुमा उभारों के रूप में इस पोर्शन पर धसे हुए होते हैं। अपर पोर्शन पूरा फोटोसिंथेटिक जोन होता है, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, और साथ ही क्लोरोफिल का फॉर्मेशन भी इसी जोन के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम बात करेंगे इनके अंदर सेलुलर पोर्शन की, यानी इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो ये पोर्शन जो होगा वेंट्रल जोन पूरा, ये यहाँ पे स्टोरेज रीजन कहलाएगा और पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसी के अंदर स्टार्च संग्रहित रहता है, यानी फूड को स्टोर रखने का काम जो है वो वेंट्रल सर्फेस के द्वारा किया जाता है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर यानी निचले पोर्शन में, वेंट्रल पोर्शन के अंदर यहाँ दो तरह के राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक अपन ने स्मूथ वॉल्ड की बात करी, और साथ में एक इनके अंदर पाए जाते हैं ट्यूबरकुलेटेड, जो यहाँ पे अरेंज रहते हैं। इसके अलावा अपर पोर्शन जो है अपर एपिडर्मिस, जिसमें क्लोरोप्लास्ट स्टोर रहता है, और यहाँ वेंट्रली वर्टिकली रूप से यहाँ लंबी लंबी रोज अरेंज रहती हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, और अपर पोर्शन में अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। साथ ही इनके अंदर एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे एक्सचेंज का काम करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज का। अब हम बात करते हैं इनके अंदर इनके मेन कैरेक्टर्स की। जैसा कि हमने इनके एक्सटर्नल और आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, तो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। सेकेंडली, इनके अंदर जो ब्रांचेस बनती है वो वेज शेप में या लीनियर शेप में अरेंज होती है। बहुत ज़्यादा डिवीजन होने के बाद में इनमें रोजेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। साथ ही इनके अंदर ग्रोइंग पॉइंट या यहाँ पे एक नॉट का प्रेजेंटेशन होता है, जिसे एपिकल नॉट या ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर स्केल्स और राइजोइड्स पाए जाते हैं। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसके अंदर वेंट्रल सरफेस पर फोटोसिंथेटिक, वेंट्रल सरफेस पर स्टोरेज जोन पाया जाएगा, जिसके अंदर स्टोर्ड होता है यहाँ पे स्टार्च का, और साथ ही पैरेन्काइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और अपर पोर्शन जो होता है वो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक जोन पाया जाता है, जिसमें वर्टिकली यहाँ रोज खड़ी रहती है, जिसके अंदर क्लोरोफिल और एपिडर्मिस अपर पोर्शन में यहाँ प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। फर्स्टली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे पांच प्रकार का देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी विखंडन के द्वारा। जब इनके अंदर डिवीजन हो रहा होता है यहाँ पे दो ब्रांचेस का इस तरीके से, तो यहाँ आगे वाली जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रही होती है, जैसे जैसे प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है, वैसे वैसे पीछे की कोशिकाएँ जो होती है, पश्च जो भाग होता है वो क्षय होना शुरू हो जाता है, और क्षय होकर के वो नष्ट होना शुरू हो जाता है, और एपिकल पार्ट जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, जिससे जब ग्रोथ यहाँ कंप्लीट हो जाती है, इस पोर्शन तक आ जाती है, तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से अलग हो जाती है, और दोनों पर्टिकुलरली अलग अलग होकर के इंडिपेंडेंटली थैलस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस को, डीके एंड डेथ प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। जब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस की, तो जैसे रिक्शिया फ्लुएंटिस के अंदर अपर पोर्शन जो है, डॉर्सल वाला पार्ट जो है, उसके अंदर एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, और वे पर्टिकुलरली अपने अपने थैलस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। जब हम बात करते हैं परसिस्टेंट एपिक्स की, परसिस्टेंट एपिक्स का मतलब कई बार ये होता है कि एपिकल वाला जो पार्ट है केवल यही बच पाता है, बाकी पूरा पोर्शन जो है वो नष्ट हो जाता है या खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये एपिकल पोर्शन जो है वो भूमि के अंदर या मिट्टी के अंदर दबा हुआ रह जाता है, और यही आगे जाकर के जब फेवरेबल कंडीशंस आती है उस टाइम पे ये डेवलप होकर के और नए थैलस का निर्माण कर देता है। जैसे रिक्शिया डिस्कॉलर में हमें देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं ट्यूबर्स के थ्रू, तो कई बार
एपिकस ब्रांचेस पर यहाँ एक ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ट्यूबर फेवरेबल कंडीशन आने पर अलग होकर के न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देती है। साथ ही हम बात करते हैं राइजोइड्स की। लास्ट जो है राइजोइड्स का मतलब यहाँ ये हो गया कि कई बार इनके अंदर राइजोइड्स हैं, इनके ऊपर एक गैमा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो आगे जाकर के थैलस का, न्यू थैलस का निर्माण कर देती है। तो इस तरीके से पांचों टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव वो हमें फेवरेबल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस में हमें ये पांच टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस, परसिस्टेंट एपिक्स वाला, ट्यूबर्स और राइजोइड्स। थैंक यू।